सिवान के सिसवन प्रखंड के नंदामुड़ा गांव में पूर्व विधायक लोहमाता जगमातो देवी की जयंती सह राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संपन्न समारोह माता जगमातो देवी मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश आरएसएस प्रांत वैदिक प्रमुख देवराज समेत कई वरीय नेता मौजूद रहे। वहीं सबसे पहले लोहमाता जगमातो देवी के तस्वीर पर सभी अतिथियों ने पुष्प अर्पित किया। वहीं ट्रस्ट के मुख्य संरक्षण सह सांसद कविता सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक जगमातो देवी के पद चिन्हों पर चलने के संकल्प को दोहराते हुए राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि जुटाने में सबकी सहभागिता बहुत जरूरी है। साथ ही जिले के समस्त जनता से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। वहीं माता जगमातो देवी मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष सह राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम भारत की पहचान और आत्मा है, इसलिए हम सबकी इसमें सहभागिता जरूरी है। मंदिर निर्माण में हमारे परिवार का स्नेह और प्रेम समाहित होगा। माता जी के जयंती के उपलक्ष्य पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु धन समर्पण कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्य अतिथि देवराज जी के कर कमलों द्वारा होगा। देवी जी की 50वीं जयंती लक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि अयोध्या चल के आए हुए हैं श्री देवराज सिंह जी और आचार्य राष्ट्रीय आचार्य हैं केशव जी महाराज जी, मैं उन्हें नमन करती हूँ। और माता जी की जयंती के लक्ष्य में सुबह से ही सुंदरकांड का पाठ हुआ और सभी अतिथि आए हुए हैं माता जी के चाहने वाले, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। और साथ ही इस शुभ अवसर पर यह आयोजन किया गया कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके निर्माण के लिए निधि संग्रह किया जा रहा है, यह भी कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे हम लोगों के साथ श्री संगीता यादव जी आई हुई हैं, आचार्य राम प्रदेशपुरी जी आए हुए हैं, हमारे यहाँ पे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष जनता दलियों के उमेश ठाकुर जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष साहब हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषि पटेल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने माता जी के कार्यक्रम में आकर और इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र धन संग्रह में आप लोगों ने आकर इस कार्यक्रम को शोभनीय बनाया, इतना सुंदर बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता जगमातो देवी जैसे अजय सिंह की माता जी वैसे ही मेरी भी माता जी। 2002 में जब मैं गर्भचर्क था और उस समय के कालखंड में माता जी पहली बार विधायक बनी, बड़े साहस के साथ सारे समाज को साथ लेकर के चलते हुए ऐसा हिंदू समाज को स्वाभिमान के साथ कैसे खड़ा कर सकते हैं, यह काम माता जी ने बखूबी निभाया। मैं तो जब तक मौका लगता था तब माता जी के सानिध्य में आकर के यहाँ बैठता था और आज भी मैं आया हूँ तो मैं किसी मंचीय कार्यक्रम में नहीं, तो माता जी क्योंकि मेरी माता थी इसलिए इस मौके पर मेरा आना हुआ है। मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि यह सारा क्षेत्र माता जी के दिए हुए दिशा निर्देशन के आधार पर
जिस प्रकार से उन्होंने स्वाभिमान के साथ सारे समाज को खड़ा किया, उसी आदर्श पर उसी पथ पर चलता रहे, यही मीडिया आज के आकर। आज माता जी के हमारे 50वीं जयंती समारोह है, जयंती हो रहा है, मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में इस बार के मुख्य कार्यक्रम है कि अयोध्या में हजारों वर्ष से विवादित श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण होने जा रहा है, पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर भव्य बनने जा रहा है। और उसका संकल्प राष्ट्रीय संसेवक संघ ने लिया है कि जितना भी धन लगेगा उसमें सरकार की पैसा नहीं लगेगी, पूरे भारतवासियों की पैसा लगेगी, भगवान राम के भक्तों की पैसा लगेगी और पूरे भारतवासी जो है उसमें धन समर्पण कर रहे हैं। उसका आज ये माता जी के 50वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए धन समर्पण अभियान को आज शुभारंभ किया जा रहा है। आज से हमारे सभी कार्यकर्ता, पूरे सिवान जिला के सभी कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के सभी कार्यकर्ता, माननीय सांसद जी के सभी कार्यकर्ता, संघ के सभी टोलियों में लग करके और घर घर जा करके धन समर्पण का कार्यक्रम करेंगे। उत्तर प्रदेश आदरणीय सरदे श्री देवराज जी आए हुए हैं, उनके हाथों से शुभारंभ होगा और कल से घर घर पूरे हिंदू समाज के, पूरे भारत माता के पुत्रों के यहाँ जा करके और श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए धन समर्पण का कार्यक्रम सफल बनाने के लिए हम लोग कार्यक्रम करेंगे और घर घर जाएंगे, सभी लोगों को जगाएंगे।